टॉपिक के ऊपर फुल फ्लेज नॉलेज एक्वायर नहीं कर रही, कभी कोई छोड़ा, कभी कोई छोड़ा, कभी कोई छोड़ा. सो इट इज नेवर डन हैपजार्डली, इट इज ऑलवेज डन सिस्टमैटिकली एंड इट इज ऑलवेज अ साइंटिफिक प्रोसीजर. रीजन, जो मैक्सिमम रिसर्च करते हैं आप उसको निगलेक्ट नहीं करते, दैट इज इन साइंस स्ट्रीम. जो सबसे ज्यादा रिसर्च होती है वो साइंस में होती है. तो इनडायरेक्टली आप किसी भी टॉपिक में या किसी भी सब्जेक्ट में रिसर्च कर रहे हो, यू हैव टू एक्वायर सम साइंटिफिक प्रोसीजर. इज इट क्लियर? सो कीप इट इन माइंड, रिसर्च हमेशा साइंटिफिकली एंड सिस्टमैटिक प्रोसीजर को ही फॉलो करके किया जाता है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें से आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, किसी भी रिसर्चर में क्वालिटी क्या होनी चाहिए टू परस्यू रिसर्च? ऑनेस्टी, सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है. डेडिकेशन टू वर्क, हार्ड वर्किंग, ये सभी के दिमाग में है. अगर दिमाग में नहीं है तो आप उसको पढ़कर नहीं दे दोगे. बट अगर क्वेश्चन ये आए कि इन सभी क्वालिटी में सबसे हाईएस्ट क्वालिटी या सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी है, ऑलवेज टेक द करेक्ट आंसर, दैट इज क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी किसी भी रिसर्चर में होना मस्ट है, ध्यान रखना. जैसे सभी को पता है आइजैक न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया था, किसको देखकर बनाया था? एक न्यूटन जो उस टाइम ज्यादा एजुकेटेड भी नहीं था, जिसके पास कोई डिग्री भी नहीं थी, इज इट क्लियर, जिसका साइंस से कोई दूर दूर तक कोई ज्यादा लेना देना भी नहीं था, उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर पूरा रिसर्च किया. क्यों? उसके माइंड में क्वेश्चन आया कि ये एप्पल ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा, नीचे की तरफ क्यों जा रहा है.